अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम मध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील उपयोजित लेखन या विभागात समाविष्ट लेखन कौशल्य, निबंध लेखन याबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करणार आहोत। आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। कृती पत्रिकेतील उपयोजित लेखन या विभागात अ, आ आणि ई हे तीन विभाग आहेत। आपके सवालिया पर्चे में क्वेश्चन नंबर 4 विभाग 4 ये उपयोजित लेखन होता है, 12 नंबर आपके लिए होता है। इसके पहले के 4 वीडियोस में हमने पत्र लेखन, गद्य आकलन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन के बारे में मालूमात हासिल की है। आज के इस वीडियो में हम विभाग ई लेखन कौशल्य निबंध लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विभाग ई निबंध लेखन 4 गुण के लिए ये प्रश्न होता है। 2 किस्मों के निबंध के क्वेश्चंस होते हैं, कोई एक आपको हल करना होता है, वर्णनात्मक और आत्मकथनात्मक। इन दोनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना होता है। आज हम इन दोनों किस्म के निबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेखन कौशल्य इसके मानी है लिखने की महारत। निबंध लेखन म्हणजे विषयानुरूप केलेली विचारांची मुद्देसूद मांडणी। निबंध लेखन आपको इस जमात में 2 किस्म के निबंध लेखन सीखना है, वर्णनात्मक और आत्मकथनात्मक। आपके इम्तिहानी पर्चे में 2 सवाल आते हैं निबंध लेखन के लिए, उसमें से आपको कोई एक निबंध लिखना होता है। इन दोनों की अकसाम के निबंध जो हैं, दोनों पर एक एक सवाल होता है। अब वर्णनात्मक निबंध यानी बयान करना किसी बात को, आत्मकथनात्मक जिसमें आप बीती सवाने उम्री पेश की जाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। पाहिलेल्या एखाद्या दृश्याचे, व्यक्तीचे किंवा प्रसंगाचे चित्र हुबेहू शब्दात रेखाटणे, यालाच वर्णनात्मक निबंध म्हणतात। निरीक्षण शक्ती व लेखन शैलीच्या विकासासाठी वर्णनात्मक लेखन हा घटक महत्त्वाचा आहे। किसी मंजर, किसी शख्स या वाक्या की हूबहू तस्वीर को अल्फाज की मदद से तैयार करना, इसे ही वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। कुवते मुशाहिदा और लिखने की सलाहियत के फरोग के लिए इस किस्म के मजामीन बहुत अहमियत रखते हैं। वर्णनात्मक लेखन करता ना लक्षात घ्यायचे मुद्दे, यानी जब आप इस तरह का मजमून लिखें तो कौन कौन से अहम नुकात को आपको जहन में रखना है, देखते हैं आप। 1, वर्णन वास्तव असावे, तफसील हकीकी होनी चाहिए, यानी आप मजमून में जो भी कुछ तहरीर कर रहे हो, निबंध में आप जो भी कुछ तहरीर कर रहे हो वो हकीकी हो। अतिशयोक्ति पूर्ण लेखन नसावे, कोई मुबालिगा आमेज तहरीर नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना है।
भाषा सोपी व आकर्षक असावी। जबान आसान हो, दिलकश हो। आप मजमून लिखते वक्त कहावतें, मुहावरे इन सब का मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, पढ़ने वालों को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होता है। वर्णन चित्रदर्शी हूबहू भावे, यानी जो भी आप वर्णन कर रहे हो, जो भी आप बयान कर रहे हो वो हूबहू किया जाए, कि पढ़ने वाले की नजर के सामने एक तस्वीर आ जाए। विचारांची साखळी व मुद्देसूदपणा आवश्यक। आप जब मजमून तहरीर करें तो ख्यालात में एक तसलसल हो और नुकात की मुनासिबत से हो। अब देखते हैं नमूना कृति। खालील मुद्द्यांच्या आधारे मी अनुभवलेला पाऊस या विषयावर निबंध लिहा। मंदरजा झैल नुकात को मद्देनजर रखते हुए दिए गए उन्वान पर हमें निबंध लिखना है। देखिए बच्चों स्क्रीन पर, मी अनुभवलेला पाऊस, ये हमको शीर्षक दिया गया है, विषय दिया गया है जिस पर हमें निबंध लिखना है। और यहाँ पर टोटल 6 मुद्दे दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, पावसा पूर्वीचे वातावरण, यानी बारिश के पहले का माहौल। उसके बाद है प्रत्यक्ष पावसाचे वातावरण, जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त का माहौल लिखना है हमें यहाँ पर। पाउस अचानक येण्याने उड़ा लेला गोंधळ, अचानक बारिश आने की वजह से जो गोंधळ हो गया वो हमें यहाँ पर तहरीर करना है। झालेली फजीती, यानी किस तरह से लोगों की फजीती हुई, लोग परेशान हुए, वो लिखना है। इतरांवर झालेला परिणाम, दिगर चीजों पर हुए असरात। मिळालेला आनंद, हासिल करदा खुशी। तो इन 6 नुकात को ध्यान में रखते हुए हमें एक मजमून तैयार करना है, एक निबंध तैयार करना है, मी अनुभव लेला पाउस। अब बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि टीचर क्यों हमें सिखा रहे हैं, हमको तो मजमून लिखने के लिए आता है। आप बहुत अच्छा मजमून लिखते हो, मुझे पता है आपको उर्दू में लिखने आता है, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, आप बहुत अच्छा लिखते हो। लेकिन कोई भी चीज की एक बार मश्क कर लेना, उसको एक बार दोहरा लेना, रिविजन कर लेना बहुत अच्छा होता है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मजमून की जानिब। तो बच्चों चलिए अब हम निबंध लेखन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी देखा था, वर्णनात्मक निबंध, मी अनुभव लेला पाउस, ये हमने लिख दिया हमारा टाइटल या हमारे निबंध का जो है शीर्षक या उसका विषय हमने लिख दिया है स्क्रीन पर। अब पहला पॉइंट था हमारे पास, पहला मुद्दा था पावसा पूर्वी से वातावरण। अब हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। जून महीन्याची सुरुवात होती, एका दुपारी अचानक अंधारून आलं, गार झुळूक वाहू लागली, आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी झाली, काही कळण्यापूर्वी पावसाचे थेंब टप टप बरसू लागले, मातीचा गंध दरवळला, पाऊस आला, क्षणात वातावरण आनंदून गेले। यहां पर हमने बच्चों देखिए, पहला जो हमारा मुद्दा है वो कवर किया है, उसके बाद दूसरा जो है प्रत्यक्ष पावसाचे वातावरण अब शुरू हो रहा है। थेंबांचा वेग वाढला, सरीवर सरी बरसू लागल्या, ढगांचा गडगडाट, विजांचा कडकडाट होऊ लागला, अचानक आलेला पाऊस संध्याकाळ झाली तरी बरसतच होता, कामावरून घरी परतणाऱ्यांची मात्र चांगली तारांबळ उडाली,
छत्री व रेनकोट कुणाकडेच नसल्याने लोग भिजत भिजत परतत होते। अब देखिए यहाँ पर कितने मुद्दे कवर हो गए हमारे। प्रत्यक्ष पावसाचे वातावरण ये हो चुका है पहले ही, पाऊस अचानक येण्याने उडालेला गोंधळ ये भी हो गया अभी यहाँ पर कवर, झालेली फजीती, इस तरह से बहुत सारे मुद्दे जो हैं एक साथ कवर होते चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं, पाऊस खोडकर मुलांसारखा आज सर्वांची फजीती करीत होता, असे असले तरी सर्वांच्या चेहऱ्यावर पावसाचे कौतुक दिसत होते। लहान मुले पाऊस आला मोठा असं भिजत भिजत म्हणत होती, झाडांच्या पानांवरची धूळ साफ झाली होती, धरती नहाऊन निघाली होती, उन्हामुळे हैराण झालेले सर्व सजीव सुखावले होते। यानी यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, थोड़ी फजीती है और इतरांवर झालेला परिणाम, ये दो मुद्दों को हमने यहाँ कवर किया। अब आगे देखते हैं, मिळालेला आनंद जो हमारा मुद्दा है उसे हमें लिखना है। सृष्टीत झालेला हा बदल मला खूप आवडला, पावसाने माझ्या मनावरची मरगळ धुऊन टाकली होती, उत्साह जाणू लागला होता, निसर्ग देखील चैतन्याने फुलून आला होता, संध्याकाळी उशिरा कधीतरी पाऊस थांबला, पावसाने आज नव्या ऋतूची सुरुवात केली होती, पाऊस सर्वांवर आनंदाची बरसात करून गेला होता। इस तरह से बच्चों आपने इस निबंध में सारे मुद्दे देखे, किस तरह से हमने उन मुद्दों को लेते हुए मजमून को तैयार किया, निबंध को तैयार किया। तो जब भी आपको इस तरह का निबंध लेखन आए, कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाए और उस पर वर्णन करना है, वर्णनात्मक निबंध लिखना है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, आपको हूबहू उस चित्र को प्रस्तुत करना है अपने अल्फाज की मदद से, और जो मुद्दे आपको दिए जाएंगे मुद्दों का इस्तेमाल करना है, और अगर मुद्दे नहीं दिए तो अपने तखयल की बुनियाद पर आपको तहरीर करना है, लेकिन अच्छे से अच्छा मजमून आपको तहरीर करने की कोशिश करना है। अब हम बढ़ते हैं नंबर दो, आत्मकथन, इस तरह के मजमून की जानिब। समझते हैं जरा किस तरह से आपको लिखना है। आप बीती, ये सामान्य उम्री कह सकते हैं आप इसे। तो अब इसके अहम नुकात क्या है वो हम देखेंगे। आत्मकथन करताना लक्षात घ्यायचे मुद्दे, अहम नुकात देखना है। सजीव आणि निर्जीव घटकांबाबत सर्वसमावेशक विचार, सजीव के मानी है जिंदा और निर्जीव यानी गैर जानदार, जानदार गैर जानदार, चीजों के बारे में जामे सोच होना चाहिए आपकी। त्यांच्या भावना, सुख दुख, सवयी, उपयोगिता, कार्य यांचा शोध निरीक्षण शक्ति ने घेणे, मुशाहिदे के जरिए उनके जज्बात, सुख दुख, आदतें, फायदे और काम की जांच करना, तलाश करना। आपण स्वतः ती वस्तु आहोत अशी कल्पना करणे, परकाया प्रवेश, ये तस्वीर करना कि हम खुद वो चीज हैं। अगर आप किसी दूसरे की आप बीती या सामान्य उम्री लिख रहे हैं तो उस चीज की जगह खुद को महसूस करना है, तस्वीर करना है कि आप खुद वो हो, और उस तरह से आपको लिखना है, तब आप बहुत ही बेहतर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकते हो। कल्पना शक्ति च्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडणे, तखयुल के जरिए ड्रामाई अंदाज में तस्वीर को पेश करना। संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषित करने, फर्स्ट प्रोनाउन की तरह आपको वाहिद अंदाज में पूरा के पूरा निबंध लिखना है। अब हम एक निबंध की एग्जाम्पल देख लेते जो हमारी दर्सी किताब में दी गई है। नमुना कृति, दैनंदिनी डायरी तुमच्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून तिचे आत्मकथन पुढील मुद्द्यांचा उपयोग करून लिहा।
तिचे आत्मकथन पुढील मुद्द्यांचा उपयोग करून लिहा। यहाँ पर आपको डायरी आपसे बात कर रही है ऐसा तसव्वुर करना है और उसकी आप बीती, उसकी सामान्य उम्री, उसकी खुदनोश्त आपको नीचे दिए गए मुद्दों के आधारे लिखना है। देखिए ये है आपकी दैनंदिनी दी गई, यहाँ पर डायरी दी गई है। पहला मुद्दा है निर्मिति, महत्व, उपयोग, इतरांची भावना, आनंद, खंत। अब यहां पर इन छह मुद्दों का उपयोग करते हुए हमको एक निबंध तैयार करना है, आत्मकथनात्मक निबंध, जिसमें एक दैनंदिनी, एक डायरी आपसे बात कर रही है। इस तरह से हमें यहाँ पे बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस दैनंदिनी या डायरी की जगह हम खुद को महसूस करें और इन मुद्दों के आधार पर हम मजमून तहरीर करें। तो जब हम उस डायरी की जगह खुद को महसूस करेंगे तो हम उसके जज्बात, उसके ख्यालात, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम पेश कर सकेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और तहरीर करते हैं एक छोटा सा मजमून। सबसे पहले निबंध का विषय लिखना है, मी दैनंदिनी बोलते। अब हम देखते हैं किस तरह से शुरुआत करना है। वयांचा पसारा पडला होता, मी पुस्तक वाचत बसले होते। इतक्यात कोणीतरी मला हाक मारली, शोभा अगये शोभा। मी इकडे तिकडे पाहिले, अग मी दैनंदिनी बोलते। टेबलावरची दैनंदिनी माझ्याशी बोलत होती। कुठल्याशा एका मोठ्या कारखान्यात माझा जन्म झाला। एक डायरी म्हणजे घटना, अनुभव, विचार आणि निरीक्षणाचा व्यक्तिगत रेकॉर्ड। डायरी साधा इंग्रजी शब्द आणि साधा मराठीतला अर्थ रोजनिशी किंवा दैनंदिनी। दररोज नवनवीन अनुभव तुम्ही घेत असता, यातूनच प्रेरणा मिळत असतात, पण हे सगळं एका वेळी डोक्यात साठवलं जाऊ शकत नाही। महत्त्वाच्या गोष्टी विसरल्या जाऊ शकतात। अशा वेळी तुम्ही माझी मदत घेता, जे जे अनुभवता ते माझ्याजवळ निश्चितपणे ठेवता। हे जपून ठेवणे मला कर्तव्य वाटते। देखिए बच्चों, यहाँ पे इतने हिस्से में निर्मिति, महत्व और उपयोग शुरू हुआ है। अब आगे भी हम देखेंगे उपयोग, इतरांची भावना, आनंद और आखिर में खंत। आजवर बऱ्याच मोठ्या व्यक्तींनी माझे महत्व जाणले, माझा योग्य उपयोग केला। त्यांच्या नंतरही माझ्या मदतीने महत्वाची माहिती हाती येऊ शकली। शास्त्रज्ञ, लेखक, समाजसेवक, इत्यादी मंडळी माझ्यावर फार जीव लावतात। त्यांच्या रोजच्या जीवनातील अनुभव मला सांगतात। दिवसभरातल्या घडामोडी, महत्त्वाच्या घटनांची तुम्ही माझ्याजवळ नोंद करता। कधी कधी मनातली काही गुपिते न लपवता मला सांगता। तुमच्या आवडीनिवडीबद्दल माझ्याशी बोलता। या सगळ्यात मला माझेच कौतुक वाटते। माझे आयुष्य तुमच्या कामी येते याचे मनोमन समाधान वाटते। अब यहां पर आखिर में हमें आनंद और खंत दिखाना है। मी तुमच्या मनातली दैनंदिनी बनते, आनंदात दुखात मी तुमच्या सोबत राहते। जणू तुमच्या मनाचा आरसा असते,
अशी एक वस्तू जी निर्जीव असूनही आपलं सगळं ऐकून घेते आणि कोणतंही स्पष्टीकरण मागत नाही. मी दिसायला कशीही असली तरी सगळ्या गोष्टी मला माहीत असतात आणि त्या लपवून ठेवण्याचं सामर्थ्यही माझ्यात असतं. एका गोष्टीचे फार वाईट वाटते. आपली संगत केवळ एक वर्षाची असते. वर्ष बदलले की तुम्ही नवी दैनंदिनी घेऊन येता. हळूहळू माझा विसर पडतो. एकच विनंती, मला जपून ठेवा. देखा बच्चों, किस तरह से आखिर में उसने अपनी तकलीफ को पेश किया है. सभी को समझ में आ गया होगा वर्णनात्मक और आत्मकथनात्मक निबंध किस तरह से तहरीर करना है. तो बच्चों, आपके इम्तिहान में जो भी विषय आए, जो भी उन्वान रहे, जो भी मजमून लिखने के लिए कहा जाए, आपको उसे लिखना है. इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो खत्म करती हूँ. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात, याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तास. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ सवालात दिए गए हैं. उन सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है. वहीं पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है. उस लिंक पर जाकर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है.